हेलो गाइस, वेलकम टू बाइक न्यू ब्लॉग। माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज आप सभी को मैं बताने वाला हूँ बहुत बढ़िया जानकारी, काफ़ी मेरे बहनों का, मेरे भाइयों का जो क्वेश्चन है, विदाउट फेस लाइव कैसे करें। बहुत बढ़िया आसान तरीका, आप विदाउट फेस लाइव कैसे करें। चूँकि फेस लाइव से और बिना फेस लाइव से दोनों का पहले मैं आपको अंतर बता देता हूँ, दोनों का अंतर बताता हूँ है क्या, विदाउट फेस लाइव क्या है और फेस लाइव क्या है। फेस लाइव जब हम करते हैं तो हमारा फुल डिस्प्ले पर चलता है, फुल डिस्प्ले पर चलता है। मुझे कोई काम करना है यदि तो कैमरे को ब्लर करना पड़ता है, मुझे अपने डीपी को ब्लर करना पड़ता है या कैमरे को बैक करना पड़ता है। फेस लाइव में आपके मोबाइल जो है नेट ज़्यादा उठाती है, आपका नेट जो है ज़्यादा खर्च होता है, ये भी होता है। बहुत से लोग जो लाइव कर रहे हैं, लाइव को करते समय वो क्या करते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं, कैमरे को बैक कर दिया और अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं। तो जो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेटर है विदाउट फेस लाइव। विदाउट फेस लाइव जिसमें छोटा सा चेहरा दिखता है, क्लिप मेरे बगल में है, देख लीजिए। बाकी इसका विस्तार से हम बताएंगे कि कैसे आपको विदाउट फेस लाइव चालू करना है। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत सरल तरीका है। विदाउट फेस लाइव में फर्स्ट नंबर आपका नेट कम खर्च होता है। विदाउट फेस लाइव में अगर आप फेस लाइव पर 1 GB नेट में अगर चला रहे हैं 30 मिनट, तो विदाउट फेस लाइव में आप 45 से 50 मिनट आसानी से लाइव को चला सकते हैं। इतना बड़ा फर्क है, यानी कि 15 से 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है विदाउट फेस लाइव में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। न्यू है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छा लगे तो अपनों तक शेयर करिएगा। शेयर करना आपका काम है। फेस लाइव में क्या होता है, फेस लाइव में आपको सामने होना ही होना होता है। ब्लर करिए, ब्लर करने से आपका डिस्प्ले क्या होता है, काला दिखने लगता है। उसमें ब्लर आप कुछ भी लगा देते हैं वो चलता रहता है, ब्लर होता रहता है, डिस्प्ले चलता रहता है, कलर बाई कलर चलता रहता है। कुछ भी आप कई प्रकार के ब्लर करने का उपाय है, कई प्रकार से उसमें फंक्शन आते हैं, आप किसी भी प्रकार से ब्लर कर देते हैं, आपके डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखता है लेकिन आपको ब्लर दिखता रहता है। तो ब्लर करने से अच्छा है, आप सभी को उचित है कि आप विदाउट फेस लाइव कीजिए। विदाउट फेस लाइव कैसे चालू करते हैं वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। विदाउट फेस लाइव में आप अपने कैमरे को अगर बंद कर देंगे तो सिर्फ आपकी कम से कम डीपी दिखेगी, जो आप अपने चैनल पर, अपने चैनल के ऊपर अपनी डीपी लगाए हुए हैं, वो डीपी एक जगह अस्थायी रुक जाती है, एक जगह अस्थाई हो जाएगी, वो डीपी हमेशा दिखने लगेगी। आप अपना काम भी करना चाहती हैं तो काम कर लीजिए, फिर भी आप अपने लाइफ को सुचारू रूप से चला सकती हैं। किसी का कमेंट है, कमेंट को आप पढ़ते रहिए, अपने काम को करते रहिए और कमेंट को देखते रहिए, उसका जवाब देते रहिए। आप काम भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चला सकते हैं। तो विदाउट फेस लाइव का ये फ़ायदा है। विदाउट फेस लाइव में फर्स्ट फायदा यह है कि नेट की बचत, दूसरा चीज़ आप अपना फेस नहीं दिखा सकते हैं चलेगा, तीसरा चीज़ आप कुछ भी काम कर सकते हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उस भी नहीं दिखेगा, आपके डिस्प्ले पर ब्लर भी नहीं आएगा, आपका डीपी सीधा सीधा जब भी कोई लाइव वीडियो को आपको देखेगा तो आपके डीपी एकदम बिल्कुल करेक्ट खड़ी रहेगी। तो ये फायदा है विदाउट फेस लाइव का, ये फायदा है। फेस लाइव पर थोड़ा सा इम्प्रेशन आता है, जब हम या कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन या कुछ भी जो भी हैं सब्सक्राइबर मेरे, आप सुन लीजिए, जब हम फेस लाइव करते हैं तो फेस लाइव में थोड़ा सा लाइव का इम्प्रेशन ज़्यादा जाता है। वो क्यों जाता है कि हम आमने सामने बैठ करके बात करते हैं, जब हम आमने सामने हो करके, हम आपके सामने, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपके सामने हूँ, करेक्ट, रियली जो हूँ सो हूँ, तो आपके सामने बैठता हूँ, उसका इम्प्रेशन अलग जाता है। जब हम विदाउट फेस लाइव करते हैं या कि फेस लाइव ही करते हैं, कैमरे को ब्लर कर देते हैं, उसका इम्प्रेशन अलग जाता है, उसका इम्प्रेशन कम जाएगा। अगर फेस हैं, हम फेस पर लाइव करते हैं, उसका इम्प्रेशन ज़्यादा जाएगा, ये रहे, उस पर आपको WT अच्छा मिलेगा। फेस लाइव आने पर जब आपका फेस दिखेगा तब, लेकिन ब्लर और वो कुछ नहीं करना है आपको, सेम टू सेम जैसे मैं बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ। आप देखते हैं बहुत सारे भाई बहन लाइव करते हैं, मैं भी फेस लाइव करता हूँ, जब लाइव करता हूँ तो फेस लाइव यानी फेस टू फेस मैं आप सभी से बात करता हूँ, तो उसका इम्प्रेशन अलग जाता है, उसका व्यूज भी अच्छा आएगा और WT भी अच्छा मिलता है। विदाउट फेस लाइव का भी WT अच्छा मिलता है, ऐसी बात नहीं है, कमेंट करने के ऊपर डिपेंड होता है कि जिस प्रकार से आपके सब्सक्राइबर, आपके चाहने वाले आपके लाइव में जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, उस हिसाब से आपको WT मिलेगा। हाँ, लाइव में जुड़ने का एक और बता दे रहे हैं, लोग आते हैं सिर्फ 2 कमेंट करके लाइक करके चले गए, उसका WT नहीं मिलता। कम से कम लाइव में 5 मिनट होना ज़रूरी है,
आप किसी के लाइव में जाइए, किसी के लाइव में जा करके 5 मिनट अगर उसको सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसको आपका WT मिलना संभव है। वरना सिर्फ जा करके आप लाइक करके चले आए तो हो सकता है उसको व्यूज मिल जाए, व्यूज मिल जाएगा लेकिन आपको WT नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ विदाउट फेस लाइव कैसे करते हैं, उसका मैं डिस्प्ले पर लगा रहा हूँ साइड में। तो मैं आप सभी को ले चलता हूँ लाइव कैसे स्टार्ट करें। ये मेरा डिस्प्ले ऑन होगा, यहाँ पर प्लस पर दबाया, प्लस पर दबाने के बाद लाइव पर गया। लाइव पर जाने के बाद देखते रहिए, स्पीड से बताऊँगा चूँकि लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मैं टाइटल डालूँगा, टाइटल कुछ भी डाल सकते हैं आप, अपने हिसाब से टाइटल डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी का लाइव में स्वागत है, वेलकम टू लाइव, वेलकम टू माई लाइव, कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया, आप सभी का लाइव में स्वागत है। यहाँ से डाल करके मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। समझते जाइए, देखते जाइए और देर मत कीजिए, वरना बहुत वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए बहुत शॉर्ट में बताए हैं। चलिए यहाँ पर डाल दिया, लाइव में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर नीचे जाइए, स्क्रीन कास्ट लिखा हुआ है, स्क्रीन कास्ट को मैंने ऑन कर दिया। देखिए ये मैंने ऑन कर दिया, ब्लैक में हो गई मेरी वो जो है डिस्प्ले चेंज हो गई है। यहाँ से मैं गया, अगर किसी का चैनल मोनोटाइज है तो सेटिंग में जाकर के इस डॉलर के निशान को ऑन करना है, तब लाइव में ऐड आता है। इस डॉलर को निशान को ऑन करेंगे नहीं, वरना मत करना। जिसका चैनल मोनोटाइज नहीं है ये सेटिंग पर मत जाना, आप सिर्फ स्क्रीन कास्ट पर देखिए मैंने ऑन किया, इसी को ऑन कर देना है। यहाँ से आगे चले जाना है थंबनेल पर, थंबनेल देखिए आप लगाना चाहते हैं तो थंबनेल पर सबसे नीचे क्लिक करिए। आप थंबनेल अपलोड पर यहाँ से कोई भी अपना फ़ोटो ले लीजिए, या थंबनेल बनाए हैं तो थंबनेल को ले लीजिए, इसको आप क्लिक कर दीजिए, आप इसको सेट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ें, लिखा हुआ है आगे बढ़ें, फिर आपको टच कर देना है, ठीक है। ठीक पर टच करते ही ऐसे हो जाएगा, अभी शुरू करें, अभी शुरू करके मैंने छोड़ दिया है। ये मैंने अपना DP को ले गया, मेरा देखिए DP ऊपर चल रहा है, अभी DP मेरा घूम रहा है। मैं खोल रहा हूँ अब अपना यूट्यूब चैनल, यहाँ से देखिए अब यहाँ पर दिखने लगा है, ऑन हो गया। YouTube चैनल पर मैं गया, अपने YouTube चैनल पर जाऊंगा, YouTube चैनल पर जाकर के अपने चैनल पर लाइव में जाऊंगा, लाइव अपनी खोल दूंगा, वहां से मुझे दिखने लगेगा, ठीक है ना। अपने लाइव पर जाना है, यहां से देखिए मैं हटा करके दिखा रहा हूं, अपने चैनल पर गया, अपने चैनल से मैं लाइव पर जाऊंगा, लाइव पर गया, लाइव को ओके किया, लाइव को ओके करते ही देखिए लाइव मेरी चालू हो चुकी है। ये यहाँ से लाइव चालू हो चुकी है, लाइव घूम रही है अभी, ये लाइव चूँकि चालू हो चुकी है, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं। नीचे चैट होना चालू कर दिया है, ऊपर मैंने ये देखिए बीच में मैंने बंद कर रखा है इसको भी, ये अगर इसको ऑन रखना है तो आपको वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा, नहीं तो इसको बीच में बंद कर दीजिएगा। वॉल्यूम तेज़ धीम से कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम तेज़ भी रहेगा धीम भी रहेगा, सिंगल आवाज़ आएगी। अगर इसको बीच में खोल कर रखेंगे, आवाज़ भी तेज़ रखेंगे तो आपकी आवाज़ डबल आएगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, बीच से आप अपने वीडियो को बंद कर देना, आपकी आवाज़ सिंगल आने लगेगी, साफ सुथरा आवाज़ सुनाई देने लगेगी। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे गलती करते हैं लोगों की, आवाज़ डबल आती है। और डबल आवाज़ क्यों आती है, इसलिए आती है, इसको बंद कर देना है आपको। यहाँ से मैंने कमेंट किया आप सभी का वेलकम टू माई लाइव स्ट्रीम, इसको मैंने उठा करके टच कर दिया, अपने नाम पर टच किया और टच करके इसको मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ। अब आपको WT कहाँ से दिखता है मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। ये मेरी लाइव बंद हो रही है, लाइव बंद होने के बाद मैं दिखाता हूँ, WT तुरंत आती है, ये WT यहाँ पर आएगी, हो गया। इसको आपको सेव करना है, यानी कि पब्लिश करना है, तो हो गया, टच करते हैं और ये पब्लिश हो जाती है। अब मैं आप सभी को दिखाऊँगा फेस लाइव कैसे स्टार्ट है। ये हैं यहाँ पर गए, यहाँ पर फिर से मैं अपने थंबनेल पर गया, थंबनेल लिखा, थंबनेल लिखने के बाद मैं आगे बढ़ाऊँगा। देखते रहिए, बहुत शॉर्ट में बताया हूँ, बहुत गौर से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा देख लेना। यहाँ लिखा वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम, सभी का स्वागत है, यानी कि सभी का स्वागत है। इसको मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम, फिर मैं आगे दिखाता हूँ, आप सभी को बने रहिए ब्लॉग, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर देखिए आगे बढ़े, आगे बढ़े पर टच कर दीजिए। जिसका चैनल मोनोटाइज है सेटिंग में जा करके डॉलर का निशान ऑन कर देना। ये देखिए यहाँ चालू हो गया, यहाँ पर फिर मैं थंबनेल डालूंगा, थंबनेल अपना लगाऊंगा, लाइव फिर से चालू करके मैं दिखा देता हूँ, कोई भी थंबनेल लगा दूंगा और वहाँ से लाइव में चालू करके दिखाऊंगा आप सभी को। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। ये मैंने थंबनेल लगाया, थंबनेल 16.9 में चलता है। यहाँ से ओके किया, लाइव पर जाएं, यहाँ से लाइव करते ही लाइव मेरी चालू हो गई, लाइव मेरी हो चुकी है चालू। आप सभी को देखिए नीचे कमेंट दिखना चालू हो जाएगा, कोई भी आएगा तो कमेंट करेगा,
कमेंट चैट पर आपको टच करना, अगर कमेंट रुक रहा है तो कमेंट चैट पर टच करिएगा, आपका कमेंट दिखने लगेगा। जो भी कमेंट करेगा नहीं दिख रहा है तो कमेंट चैट पर टच करना। इस लाइव को भी मैं इंड करता हूँ और आप सभी से वीडियो को भी इंड करता हूँ। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए मेरे वीडियो बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊँगा, आप सभी तक पहुँचाऊँगा। और आप सभी का सपोर्ट करने का फुल वादा करता हूँ, फुल प्रयास करता हूँ आप सभी का सहयोग करने का। आप सभी अपने भाई को सहयोग कीजिए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाने में आप सभी का सिर्फ एक बहुमूल्य कीमत निकाल करके और वीडियो को देखिएगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।